हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है इनकम टैक्स की। बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि सर इनकम टैक्स पर वीडियोस बनाइए, तो फाइनली टाइम थोड़ा सा निकाला इनकम टैक्स के लिए। अब आपको टाइम टू टाइम इनकम टैक्स की सारी वीडियोज़ मिलेंगी, अपडेटेड वर्जन में मिलेंगी। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। हमने पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था आपसे इंट्रोडक्शन। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें कई सारी चीज़ों को, जैसे फर्म का हमें चेक करना पड़ता है, कंपनीज का चेक करना पड़ता है, HUF का हमें रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था स्टूडेंट, कि टैक्स का मैटर हमारा सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है। हमारा टैक्स का जो मतलब होता है किससे होता है? रेजिडेंट से होता है। ओके, आ फॉरेनर, कोई एक फॉरेनर इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है, भले ही वो सिटीजन ना हो, और कोई एक इंडिया का सिटीजन हो सकता है, वो उस साल इंडिया का रेजिडेंट ना हो। तो इसका मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्रिकेट में लाइक विराट कोहली है, ठीक है, विराट कोहली। ओके, अब समझना, अगर ये विराट कोहली है और दूसरा है हमारे पास एक और किसी प्लेयर का, आपके फेवरेट प्लेयर का नाम ले लेते हैं, क्योंकि फॉरेन भी प्लेयर आपके फेवरेट होंगे। लाइक किसका नाम ले लें, चलो हम ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का डेविड वार्नर, ठीक है, हम डेविड वार्नर का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, अब देखिए डेविड वार्नर क्या है, डेविड वार्नर कौन है? ये सिटीजन नहीं है, ये इंडिया का सिटीजन नहीं है। ओके, ये सिटीजन इंडिया का नहीं है, लेकिन जो विराट कोहली है वो इंडिया का क्या है, वो सिटीजन है, वो इंडिया के क्या है, सिटीजन। तो मैंने आपसे कहा यहां पर अगर इनकम टैक्स पे करना हो, अगर इनकम टैक्स की हम बात करें, तो क्या हो सकता है, इनकम टैक्स का मतलब सिटीजन से नहीं होता, किससे होता है, रेजिडेंट से होता है। ओके, तो क्या हो सकता है, किसी साल हो सकता है डेविड वार्नर इंडिया का क्या हो, रेजिडेंट, और किसी साल ऐसा हो सकता है कि विराट कोहली इंडिया का क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो। ये कैसे पता चलेगा कि वेदर ही इज अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट? तो हम क्या करेंगे, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। कुछ हमारे पास बेसिक कंडीशंस हैं, बाय अप्लाइंग बेसिक कंडीशंस हम क्या चेक कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का क्या चेक करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी, मैंने कहा कोई सिटीजन अगर आओ, ओके, कोई ऐसा सिटीजन है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है। लेकिन इंडिया का सिटीजन होने के बावजूद कोई ऐसा हो सकता है इंडिविजुअल जो इंडिया का रेजिडेंट ना हो। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस कहां गिवन है, वो सेक्शन 6 के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट, वो समझना जरा, वो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो देखो अगर कोई पर्सन इंडिया में, अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में 182 दिन या फिर उससे ज्यादा है, ओके, हम यहां पर्सन की बात नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 231 में दे रखी थी, ठीक है, उसमें आपको बताया गया था कि पर्सन की डेफिनेशन के अंदर 7 लोग कवर अप होते हैं, लेकिन पर्सन में से हम एक चीज देख रहे हैं, वो किसके बारे में देख रहे हैं, इंडिविजुअल के बारे में। ओके, अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा है, ओके, तो उसको बोलते हैं हम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे उसको, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर कोई एक इंडिविजुअल इंडिया में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर है, तो वो इंडिया का क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। तो किसी भी इंडिविजुअल को इंडिया का रेजिडेंट होने के लिए उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, जिस साल हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं, उस साल में उसको इंडिया में कितने दिन होने चाहिए, 182 डेज और मोर, 182 दिन या फिर 182 दिन से ज्यादा। सपोज करिए अगर वो जिस दिन इंडिया को छोड़कर जा रहा है वो दिन, और जिस दिन वो इंडिया में वापस आ रहा है, वो दोनों दिन क्या होते हैं, काउंट होते हैं। वो दोनों दिन क्या होंगे, काउंट होंगे, किसमें, 182 डेज के अंदर वो दोनों दिन क्या होंगे, काउंट होंगे। जिस दिन वो इंडिया छोड़कर गया है और जिस दिन वो इंडिया वापस आया है, वो दोनों दिन 182 दिन के अंदर क्या होंगे, काउंट होंगे। इफ ही सेटिस्फाइड फर्स्ट बेसिक कंडीशन, इफ ही सेटिस्फाइड फर्स्ट बेसिक कंडीशन, देन वी सेड दैट ही इज अ रेजिडेंट, सो देयर इज नो नीड टू चेक फर्दर सेकंड कंडीशन। अगर किसी इंडिविजुअल ने अगर पहली ही कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया, तो फिर हमें सेकंड बेसिक कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका, कि सेकंड बेसिक कंडीशन तभी चेक करेंगे हम व्हेन ही फेल्स टू सेटिस्फाइड फर्स्ट बेसिक कंडीशन। अगर वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे, उसकी सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं और अगर इसको एलेबोरेट करके बताऊं, तो रेजिडेंट को हमने क्या करा है, देखो रेजिडेंट को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, ठीक है, रेजिडेंट को दो पार्ट में बांटा, एक होता आर ओ आर, एक होता आर एन ओ आर, रेजिडेंट बट
बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट और ऑर्डिनरली रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, तो एक होता है आर ओ आर और एक होता है आर एन ओ आर। अगर उसने पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तो हम सेकेंड बेसिक कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। इफ ही फेल्स टू सेटिस्फाइड फर्स्ट बेसिक कंडीशन देन हमें कौन सी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, सेकेंड बेसिक कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या कहती है, ठीक है, ही हैज बीन इन इंडिया, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 365 डेज इन लास्ट 4 years एंड 60 days इन इंडिया इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्या मतलब है सेकंड बेसिक कंडीशन का, पिछले 4 साल में उसे इंडिया में कितने दिन होना चाहिए, 365। लास्ट 4 years में उसे इंडिया में कितने दिन होना चाहिए, 365 डेज होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ एंड उसके साथ कितने दिन होना चाहिए उसे इंडिया में, 60 दिन। कब, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, मतलब जिस साल का हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं तो उसे इंडिया में उस साल 60 डेज होना चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ओके, इफ ही स्टेज इन इंडिया इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर दैट इज 59 डेज एंड इन लास्ट 4 years इन लास्ट 4 years ही स्टेड इन इंडिया फॉर 400 डेज, ओके। तो यहां पर हमें एटलीस्ट कितने चाहिए थे, 365, बट यहां पर 400 डेज है, ठीक है, तो ये तो कंडीशन फुल कर दी। अब यहां पर कितने दिन होने चाहिए, 60 डेज, बट वो इंडिया में कितने दिन है, 59 डेज, देन ही सेट टू बी नॉन रेजिडेंट, क्योंकि इस दोनों कंडीशन साथ के साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए, 365 दिन या फिर उससे ज्यादा, ओके, और दूसरा क्या है, 60 डेज और उससे ज्यादा, दोनों कंडीशंस को एक साथ का सेटिस्फाइड करेगा तो सेकंड बेसिक कंडीशन के अकॉर्डिंग इंडिया का क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या है, ये जो हमारे पास केस नंबर 2 है, ये कंडीशन नंबर 2 है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ओके, एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें ये सेकंड बेसिक कंडीशन ऑपरेट नहीं होगी, कुछ ऐसे केसेस होंगे हमारे पास जिसमें ये हमारे पास सेकंड बेसिक कंडीशन ऑपरेट नहीं होगी, ओके। अब देखते हैं वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें ये फेल हो जाती है सेकंड बेसिक कंडीशन। तो क्या मतलब है, वी चेक ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशंस, हमें कुछ केसेस में सिर्फ कौन सी कंडीशन को चेक करना है, फर्स्ट वाली जिसमें कितने दिन होने चाहिए एसएससी को, 182 डेज और मोर। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी है उनको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। केस कौन कौन से, केसेस की बात करते हैं तो केस वन देखते हैं। केस वन क्या है, केस वन ये है, अगर कोई एक क्रू मेंबर या फिर कोई एक इंडिविजुअल जो कहा जाता है आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, या तो कौन होना चाहिए, क्रू मेंबर, और दूसरा कौन होना चाहिए, अगर कोई इंडिविजुअल आउटसाइड इंडिया जाता है फॉर लुकिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए, भाई सपोज करिए अगर मैं अमेरिका चला जाऊं, ठीक है, किस पर्पस के लिए, जॉब के सिलसिले में, तो जॉब के सिलसिले में मैं अगर अमेरिका चला गया और अगर मैं इंडिया में उस साल, जिस साल मैं इंडिया छोड़कर जा रहा हूं, मैं उस साल इंडिया में 70 डेज हूं और उससे पहले मैं कभी इंडिया से बाहर ही नहीं गया, तो इसका मतलब मैं तो इंडिया में शुरू से ही रह रहा हूं, और जिस साल में इंडिया छोड़कर गया उस साल में कितने दिन था, 70 डेज। तो अब चेक करते हैं, 182 दिन तो मैं था नहीं उस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो पहली बेसिक कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं रेजिडेंट नहीं हूं इंडिया का। सेकंड बेसिक कंडीशन आते हैं, पिछले 4 साल में 365 दिन होना चाहिए, लेकिन मैं उससे पहले कभी इंडिया से बाहर ही नहीं गया, तो मैं तो हर साल इंडिया में हूं, तो हर साल, साल में, एक साल में 365 दिन तो वैसे ही होते हैं, और ये 4 साल की बात कर रहा है, तो 4 साल में तो मैं पूरे साल यही हूं ना हमेशा से, लेकिन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन होना चाहिए, 60 डेज, तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में हम कितने दिन है, 70 डेज है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं रेजिडेंट हो गया। लेकिन मैंने ये एक्सेप्शन बताई आपको कि जब हम एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए या फिर कोई क्रू मेंबर है वो कहां जाता है, आउटसाइड इंडिया, तो हम सेकंड बेसिक कंडीशन को चेक ना करके हम सिर्फ उस केस में कौन सी कंडीशन को चेक करते हैं, कंडीशन नंबर 1। तो कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है कि इंडिया में उसे कितने दिन होने चाहिए, 182 दिन या फिर उससे ज्यादा, लेकिन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन है, सिर्फ 70 डेज, देन ही सेड टू बी अ नॉन रेजिडेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट। हमने सेकंड बेसिक कंडीशन को स्टूडेंट इसलिए चेक नहीं किया बिकॉज इट फॉल्स अंडर दी एक्सेप्शंस, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस ऐसी होंगी जो मैंने बताया जिसमें सेकंड बेसिक कंडीशन ऑपरेट नहीं होगी, तो हमें कौन सी बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन, दैट्स इट, ओके। तो याद रखना एक्सेप्शन में क्या चीज आई, पहली एम्प्लॉयमेंट पर्पस होना चाहिए और वो क्रू मेंबर होना चाहिए, वो कहां जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है। क्लियर हो गया, ओके, नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। तो पहला आ गया हमारे पास क्रू मेंबर, और कौन है,
एंड कोई भी इंडिविजुअल है, लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस किसके लिए जा रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है। ये हो गई केस नंबर वन। केस नंबर टू क्या कहता है, केस नंबर टू क्या कहता है अ पर्सन बिलोंग्स टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कोई भी पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, वो किससे बिलोंग करता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है कि बिफोर अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया से पहले, भाई जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तो उसके पेरेंट्स, वो खुद, उसके पेरेंट्स और उसके ग्रैंड पेरेंट्स, और कौन उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहां से बिलोंग करते हैं, अनडिवाइडेड इंडिया से। ओके, अनडिवाइडेड इंडिया से, और वो इंडिया घूमने आ रहा है। क्या रहा है वो इंडिया, किसके लिए आ रहा है, विजिट पर्पस के लिए। हो सकता है अपने रिलेटिव से मिलने आ रहा हो सकता है उसकी कोई पिछली पुरानी कोई जमीन जायदाद हो, उसको बेचने के लिए आ रहा हो, तो किसके लिए आ रहा है, सिर्फ विजिट पर्पस के लिए। तो विजिट पर्पस के लिए वो इंडिया आ रहा है, तो हम उस केस में सेकंड बेसिक कंडीशन को चेक ना करके हम कौन सी बेसिक कंडीशन को चेक करेंगे, 182 दिन या फिर उससे ज्यादा। ओके, तो क्या है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट्स इंडिया। ठीक है, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, POI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कहां विजिट कर रहा है, इंडिया विजिट कर रहा है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, अनडिवाइडेड इंडिया। भाई जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तो वो खुद और उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहां हैं, कहां रहते हो, अनडिवाइडेड इंडिया में, तो उसको हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो ये था स्टूडेंट, हमने देखा रेजिडेंशियल स्टेटस। तो अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा तो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। तो एक क्रक्स निकल कर आया। ठीक है, क्रक्स क्या है, यहां क्रक्स समझ लो, क्रक्स ये है कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे, दोनों में से कोई भी, तो फर्स्ट और सेकंड कोई सी भी सेटिस्फाइड कर दे तो क्या कहलाएगा, इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंडिया का रेजिडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ROR कब होगा और RNOR कब होगा, क्योंकि मैंने बता दिया रेजिडेंट कब होगा, ये मैंने आपको समझा दिया। अब उसके भी दो डिवीजन है, एक ROR एक RNOR। ROR की फुल फॉर्म है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, RNOR की फुल फॉर्म है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, अब ROR और RNOR के लिए क्या करेंगे हम, टू चेक द एडिशनल कंडीशंस। क्या चेक करेंगे, टू चेक एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, जिससे रेजिडेंशियल स्टेटस पता चले उसको बोलते हैं बेसिक कंडीशन। क्या बोलेंगे उसको, बेसिक कंडीशन। जिन कंडीशन से हम क्या चेक कर पा रहे हैं, वेदर ही इज अ रेजिडेंट और नॉट नॉन रेजिडेंट, तो उन कंडीशंस को हम बोलते हैं बेसिक कंडीशंस। और जिन कंडीशन से हम चेक करें वो आर ओ आर है या आर एन ओ आर है, तो उन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कंडीशन। क्लियर, ओके। सो एडिशनल कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन ये है पिछले 10 ईयर्स में, ओके, टू आउट ऑफ टेन ईयर्स पिछले 10 सालों में दो बार वो इंडिया का क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडिया का रेजिडेंट। पिछले 10 साल में उसे इंडिया का रेजिडेंट कितने बार होना चाहिए, दो बार। अगर उसने पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है ही स्टेज इन इंडिया इन लास्ट सेवन ईयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 730 डेज। पिछले 7 साल में उसे इंडिया में कितने दिन होना चाहिए, 730 दिन। तो दो कंडीशन हो गई, पिछले 10 साल में दो बार वो इंडिया का क्या होना चाहिए, रेजिडेंट, टू टाइम्स, और पिछले 7 सालों में उसे इंडिया में कितने दिन होना चाहिए, 730 डेज होना चाहिए। इफ ही सेटिस्फाइड बोथ दीज कंडीशन साइमल्टेनियसली एंड फर्स्ट बेसिक कंडीशन, देन ही सेट टू बी आर ओ आर रेजिडेंट। तो मैंने आपको बताया इफ ही सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे, देन ही सेट टू बी रेजिडेंट। और रेजिडेंट को फर्दर कैटेगराइज कर दिया दो पार्ट्स में, आर ओ आर और आर एन ओ आर। तो आर ओ आर और आर एन ओ आर कैसे चेक करेंगे, अब इसका एक क्रक्स निकाल लेते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब इसका क्रक्स देखना। देखो क्रक्स क्या कहता है, फर्स्ट बेसिक, पहला क्रक्स क्या कहता है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, फर्स्ट बेसिक प्लस बोथ एडिशनल, फर्स्ट बेसिक प्लस बोथ एडिशनल। पहली दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन या फिर उसके साथ साथ क्या है, दोनों एडिशनल कंडीशन। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, आर ओ आर कहलाएगा। ओके, आर ओ आर, वन बेसिक, इसको ऐसे लिख लो, वन बेसिक प्लस बोथ एडिशनल, देन ही सेट टू बी आर ओ आर। सेकेंड में आ जाते हैं हम, ओके, फर्स्ट उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी, वन बेसिक, बेसिक करेगा तो रेजिडेंट तो होगा,
प्लस वन और नन, वन और नन एडिशनल कंडीशन, एक इन दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई नहीं तो वो कहलाएगा आर एन ओ आर, क्या कहलाएगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। जब ना तो वो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करे ना ही वो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करे, देन ही सेट टू बी अ एन आर। कैसे निकलेगा एन आर? नो बेसिक कंडीशन, नो बेसिक कंडीशन। जब कोई इंडिविजुअल कोई भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा तो वो इंडिया का कौन होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। अब इस पूरे लेक्चर का एक क्रक्स निकालते हैं, छोटा सा क्रक्स याद रखो, ठीक है, वन बेसिक प्लस बोथ एडिशनल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ओके दैट्स इट। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन प्लस वन और नन एडिशनल कंडीशन, देन ही सेड टू बी आर एन ओ आर, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। व्हेन ही डज नॉट सेटिस्फाइड एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन देन ही सेड टू बी एन आर, नॉन रेजिडेंट। आई होप क्लियर हुआ स्टूडेंट। चलो इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको रब करते हैं, इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। मैं बोर्ड पर लिख दूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। और प्लीज स्टूडेंट आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें जो आपको यहां समझाया जा रहा है, ओके। जब भी आप पढ़ने बैठे तो प्लीज प्रॉपर नोट्स बनाएं, ओके। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है, डिफरेंट कलर के आपके पास पेन होने चाहिए ताकि कॉपी भी आपकी बहुत इनोवेटिव अच्छी सी लगे, ठीक है, उससे पढ़ने का भी आपको दिल करे, ओके। चलो अब चीजों को आगे समझते हैं। और हाँ, याद करना कुछ कोर्स हमने लॉन्च करे हैं, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, ओके। सो देखिएगा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, क्वेश्चन ले लेता हूं, मेरे पास जो बुक है उस बुक में से क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। चलो एक क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, ये है क्वेश्चन, मिस्टर जॉन अ फॉरेन प्लेयर, एक मिस्टर जॉन है, एक फॉरेन प्लेयर है, कम्स टू इंडिया सिंस 5-6। एक मिस्टर जॉन है वो इंडिया विजिट करते हैं, ठीक है, मिस्टर जॉन वो इंडिया विजिट कर रहे हैं कब? 2005-2006 से, ठीक है। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन, एवरी ईयर, हर साल, टू प्ले क्रिकेट एंड स्टेज हेयर फॉर 120 days, और हर साल आते हैं कितने दिन के लिए? 120 डेज एवरी ईयर, हर साल कितने दिन के लिए आते हैं? 120 दिन के लिए वो इंडिया में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20, ओके। हमें क्या करना है, असेसमेंट ईयर 19-20 का उनको क्या निकालना है? रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। एंड एक चीज हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, लाइफ में एक चीज याद रखिएगा, सिटीजनशिप हर साल चेंज नहीं होती, ओके, और रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल चेंज होता है, हर साल चेक करना पड़ता है। और एक असेसी दो कंट्रीज में भी क्या हो सकता है? रेजिडेंट हो सकता है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर मिस्टर जॉन एक फॉरेन प्लेयर है, कौन है वो? फॉरेन प्लेयर है। तो अगर मैं बात करूं फॉरेन प्लेयर का मतलब क्या है? ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। तो मैंने कहा था टैक्स का मैटर सिटीजन से नहीं, किससे होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस से होता है, ओके। तो यहां पर अगर सॉल्यूशन देखें हम, तो पहली बेसिक कंडीशन क्या कहती है कि आपको 182 दिन और मोर, 182 डेज और मोर इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिसकी हम बात कर रहे हैं उस साल आपको इंडिया में कितने दिन होना चाहिए? 182 डेज और मोर। तो इसका मतलब हम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920 की बात कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर है 1920, ओके, और प्रीवियस ईयर इसके लिए कौन सा होगा? 1920 के लिए ये असेसमेंट ईयर है, इसके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1819, ये प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर में कितने दिन होना चाहिए? 182 दिन या फिर उससे ज्यादा, लेकिन वो हर साल कितने दिन के लिए आ रहा है? 120 दिन के लिए। इसका मतलब He does not satisfied first basic condition. Then we check second basic condition. Second basic condition क्या कहती है? कि पिछले चार साल में आपको कितने दिन इंडिया में होना चाहिए? 365 days. And उसके साथ साथ 60 days in relevant previous year. तो 60 days in relevant previous year, वो इंडिया में कितने दिन के लिए आ रहा है? 120 दिन के लिए वो इंडिया में आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाइड हो गई, और पिछले चार साल में कितने दिन होना चाहिए? 365 डेज। तो हर साल 120 दिन के लिए है, 4 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 480 डेज। तो इसका मतलब मिस्टर जॉन सेटिस्फाइड सेकंड बेसिक कंडीशन, मिस्टर जॉन सेटिस्फाइड सेकंड बेसिक कंडीशन, देन ही सेट टू बी रेजिडेंट। वो कौन है? वो रेजिडेंट है। क्या है वो? रेजिडेंट। अब हम चेक कर लें वेदर ही इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो एडिशनल कंडीशन के लिए क्या था हमारे पास? कि पिछले दस साल में उन्हें क्या होना चाहिए? दो बार क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब हर चार साल के बाद वो रेजिडेंट हो जाएगा। हर चार साल के बाद क्या हो रहा है? वो रेजिडेंट। इसका मतलब पिछले दस साल में वो दो बार क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। क्लियर?
ओके, सेकंड बेसिक कंडीशन आते हैं, पिछले सात साल में, पिछले सात साल में कितने दिन होने चाहिए, 730 दिन, वो हर साल इंडिया में कितने दिन है, 120 दिन, सात से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 840 डेज। इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड कर दी, तो वन बेसिक प्लस बोथ एडिशनल, तो क्या बन गए ये ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, क्या बन गए ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ओके, तो इनको हम शॉर्ट में बोलेंगे आरओआर, मिस्टर जॉन इज आरओआर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है ओके। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन तो आप जरूर पूछिएगा, एक क्वेश्चन इस पर और करा देता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर और देख लेते हैं चलो। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर एक्स लेफ्ट फॉर जापान, मिस्टर एक्स कहां चले गए, जापान चले गए, ऑन 15th मार्च 2016 को वो इंडिया छोड़कर चले गए, कौन, मिस्टर एक्स, आफ्टर स्टेइंग इन इंडिया फॉर 15 इयर्स, इंडिया में कितने साल रुके थे वो, 15 साल, ही केम बैक ऑन 31st August 2000, ही केम बैक ऑन 31st August 2018, केम बैक, वो कब वापस आए इंडिया में, 31 अगस्त को 2018 में। ओके, डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 1920 का आपको उनको क्या बताना है, रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। ओके, तो इसका मतलब ये रेलेवेंट, ये असेसमेंट ईयर है तो हमें प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करना होता है, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 1819, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 1819। ओके, 1819 में उनका चेक करना है कि वो रेजिडेंट है या नहीं, तो वो इंडिया में कब वापस आए, 31st अगस्त, तो इसका मतलब अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त में कितने दिन हो गए, एक दिन अगस्त का हो गया। अब आप ऐसे समझ लो, क्योंकि आपको पता है भाई ईयर आधा कब होता है, ईयर का फर्स्ट हाफ कब होता है, 30th ऑफ सितंबर, सो इसका मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक तो वैसे भी 6 महीने होते हैं, सो एक दिन तो अगस्त का हो गया, फिर उसके बाद सारे अगर दिन आप चेक करोगे तो अगस्त के बाद क्या आता है, अगस्त सितंबर में पूरे 30 दिन, फिर अक्टूबर में 31, ओके, फिर नवंबर में 30, फिर दिसंबर में 31, फिर जनवरी में 31, ओके, फरवरी में 28 और मार्च में कितना 31, तो 1, 1, 2, 3, 4, 12 का 2 कैरी 1, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 18 और 5, 23, कितना हो गया 232 दिन, कितना हो गया 232 दिन। तो जब वो 232 दिन इंडिया में हैं, ओके, एक बार चेक कर लो कितने दिन हो गए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 12 का 2 कैरी 1, 4 और 3, 7 और 10, 13, 13 और 3, 16, 16 और 2, 18, 18 और 3, 18 और 3, 21, 212 दिन, तो 212 दिन वो इंडिया में है, तो क्या हो जाएंगे वो रेजिडेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे वो रेजिडेंट। ओके स्टूडेंट, सो ये था हमारा इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि HUF कंपनी इनका रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे चेक करते हैं। जब तक स्टूडेंट आप चैनल को देखते रहिए, और कोई भी वीडियो अगर आप, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें, ओके, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।